हेलो एवरीवन, मैं आज बताने जा रही हूँ वीडियो में कि हम कैसे घर पर ही ट्रेस कर सकते हैं, घर की चीज़ों से, घर के सामान से ट्रेस कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नील ले रही हूँ और यहाँ मैंने कॉटन लिया है। ये नील है, नील पाउडर, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। मार्केट जाके परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको घर में ही अवेलेबल मिल जाएगा या पास में किसी भी स्टोर पर मिल जाएगा। ये ट्रेसिंग पेपर है, मैंने इस पर ड्राइंग कर ली है जो मुझे एम्ब्रॉयडरी करनी है क्लॉथ पे। ऐसे डिज़ाइन की लाइन पर हमें निडल से हॉल करना है इस तरह से। ये फर्श पे नहीं होगा, इसको आपको किसी कपड़े पर रखकर करना है इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। पूरे डिज़ाइन पर हमें इसी तरह से हॉल करना है। ट्रेसिंग करने से पहले हम एक फैब्रिक बिछा लेंगे। हमें इस फैब्रिक को उस फैब्रिक के नीचे रखना है जिस पर हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। अब हम इस पे वो फैब्रिक रखेंगे जिस पर हमें ट्रेसिंग करना है। फैब्रिक या ट्रेसिंग पेपर ट्रेस करते टाइम हिले नहीं, उसके लिए मैं बीडेड पिन का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ हम बीडेड पिन को अटैच कर देंगे ट्रेसिंग पेपर से। डिज़ाइन को हमें उस साइड से रखना है जिस साइड से हमने नीडल को ऊपर से हॉल किया है, उसी साइड से हमें ट्रेसिंग पेपर को फैब्रिक पे रखना है। अच्छे से इसे हम डिज़ाइन को बिठा देंगे जहाँ पर हमें ट्रेस करना है। यहाँ मैं इसे बीडेड पिन से अटैच कर रही हूँ ताकि हमारा ना ट्रेसिंग पेपर हिले ना फैब्रिक हिले। चारों साइड हम इसे बीडेड पिन को अटैच कर देंगे। अब हम कॉटन पर नील पाउडर को लगाएंगे और दो तीन ड्रॉप हमें केरोसिन ऑयल या मशीन ऑयल की लेना है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। अब हम इसे ट्रेसिंग पेपर पे इस तरह से लगाएंगे। इसी तरह हमें बार बार नील पाउडर लगा के कॉटन पे ऑयल को डालना है। फिर इसी तरह से हमें ट्रेसिंग पेपर पर कॉटन को इस तरह से लगाना है। बहुत ही इजी है गाइस। इसे पूरे डिज़ाइन पर जहाँ पर हमने हॉल किया है, पूरे डिज़ाइन की बॉर्डर पे, डिज़ाइन पर, वहाँ वहाँ हमें इसी तरह से अच्छे से इसे लगाना है। डिज़ाइन लिया है, आप अपनी चॉइस से कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं जिसे आपको ट्रेस करना हो फैब्रिक पर। और गाइस, मैंने इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि अच्छे से सूख जाए। अब हम बीडेड पिन निकाल लेंगे जहाँ जहाँ हमने बीडेड पिन को लगाया है। ट्रेसिंग पेपर को अब हम आराम से हटा लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन ट्रेस हुआ है। अब हम फैब्रिक को फ्रेम में अटैच कर लेंगे जहाँ पर हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है, इस तरह से। आप देख सकते हैं कि ट्रेसिंग पेपर का पूरा डिज़ाइन फैब्रिक पर आ चुका है, कितना क्लियर दिख रहा है। अब हम इस पर इजीली एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको यहाँ डिज़ाइन पसंद आया है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया है उसी तरह से ट्रेसिंग पेपर पर डिज़ाइन उतार कर फैब्रिक पर पेस्ट कर सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।